चलो क्या रहे? पैर निकल जाते हैं यहाँ से। अखिलेश भाजपा सरकार में लैट्रिन बनाई गई है केवल। अच्छा। और कोई विकास का कार्य नहीं। भाजपा तो आप 1 रुपया फ्री दे दी है, 10 रुपया वसूल कर लिए। 1 साल में 2 बार हो जाता था डैम। अच्छा। 1 साल में 1 बार नहीं हुआ। तालाब में चले जाओ, इतने इतने पानी में जाओ कमर तक। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय धनी, डाउनलोड नाउ। धुआं दे रहे अरे देव धुआं। हाँ धुआं देव। तो ये बताओ वोट किसे दोगे? वोट साइकिल ही जाएगा। साइकिल में भैया बसपा वाले लोग, बसपा को खड़ो नहीं है तो साइकिल भी जाने सपा में, भाजपा की कोई गिनती नहीं है। आप कौन है? हम ऐसे ही हैं जाटव। अच्छा, तो यहाँ आपके गांव में शाक के वोट हमने सुना ज्यादा है। हाँ शाक के ज्यादा है। वैसे यादव जोशी ने को ज्यादातर है। अच्छा, ज्योतिषी ब्राह्मण लगभग 7 लोगों का। अच्छा, तो आपके हिसाब से किसे जीतना चाहिए? अब हमारे हिसाब से तो डिंपल को जीतना चाहिए। अच्छा, वो कोई वजह? और वजह क्या, क्षेत्र का मामला है और दूसरे आज कल मुंबई में निकल गया, आज जाम घुस गया है, कहाँ मतलब हो रहा हूँ इनको। अच्छा, अपन ही तो प्राण बचा नहीं पा तो दूसरे को खींचे फिर रहे। अगर चाचा शिवपाल चाचा आ गए हैं तो उससे क्या लग रहा है, कोई फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। हाँ। पूरा फर्क। अच्छा, तो शिवपाल चाचा अगर ना आते तो भाई जीतते? तो भाई जीतते। अच्छा, उनके आने ना आने से ज्यादा फर्क नहीं? वैसे फर्क तो है लेकिन अलग रहते तो भाई जीतते। अच्छा, क्यों देना चाहते हैं समाजवादी पार्टी को, क्यों जिताना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं जिताना चाहते? भाजपा क्या बताया जाए, भाजपा तो आप 1 रुपया फ्री दे दी है, 10 रुपया वसूल कर लिए। अच्छा। फायदा क्या है उससे, गल्ला चलो फ्री दे ही रहे, सिलेंडर 400 वालों 1100 कर दो, बिजली घर घर कनेक्शन करवाए दे, बाग मारे आदमी परेशान, बिल भरते ही बात है। तो ये तो आपकी सुविधा हुई ना बिल? नहीं, सुविधा तो हुई है, पर तो पहले तो सपा में फ्री चल रही थी। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं थी, अब तो पैसा और दो 300-400-500 रुपए महीना, तुझे दिक्कत नहीं। अच्छा, भाई गरीब आदमी तो फ्री चला ही रहो ना। जे बात, आओ इधर बैठे हैं कुछ लोग। हाँ बताओ। नहीं, अरे चलो चलो ऐसा बताओ, सबसे पूछेंगे सबका नंबर आया। आप बताओ कि आप किसे वोट दोगे? हम तो साइकिल में ही देंगे। साइकिल में ही देंगे? क्यों देंगे साइकिल में? अरे पड़ोस का मामला है, यहाँ कौन सुनेगा बताइए, आप बताओ। कोई नहीं सुनेगा। क्यों? यहाँ चले जाओ, साइकिल नहीं चले जाओ तो साइकिल तो सुनाई तो। अच्छा, सुनेगा भाजपा वाला है कोई? जब बात साइकिल चले जाओ तो साइकिल सुनाई है, क्यों नहीं है? है। अच्छा, तो क्यों मैं सपा में वोट क्या है? कुछ संविधान सब है, देखो इतने साल से जे वाला पुल है, नायनगर बना है, ये सचिवालय की देन है, सचिवालय ने बनवाया। अच्छा, तो यही सुविधा है और कार रोड पे जाओ आओ आराम से। कितने साल से सपा की सरकार है यहाँ? सरकार तो अब तो भाजपा की चल रही है, सपा की अति पहले 15 साल कर गई। तो अब भाजपा की सरकार जब से आई है यहाँ पे, साल मुख्यमंत्री जब तक भाजपा की सरकार है, बसपा की होती है, सपा की होती, जो रोड पे 1 साल में 2 बार हो जाता था डामर, 6 साल में 1 बार नहीं हुआ, नहीं हुआ। अरे गड्ढा मुक्ति के लिए जाओ, तलिया बनाए जाओ ना। एक मिनट, पूरब साइड में तलिया है, तालाब है, तालाब में चले जाओ, इतने इतने पानी में जाओगे कमर तक। अच्छा। हाँ, और तालाब में आरसीसी बनी हुई है। तालाब में आरसीसी है? आरसीसी है, आरसीसी के ऊपर इतना पानी है। एक बार मौका देखो उसे, उसकी भी फोटो लियो। ठीक, देखेंगे। और बताओ। और यहाँ तो सब सुविधाएं है, सारी रोड हमारी है, बड़ी बढ़िया बढ़िया। किसने बनवाई? किसने? पूरे क्षेत्र में हमारे यहाँ जैसे कहीं रोड नहीं है। बनवाई किसने? सपा ने बनवाई, सपा की सरकार थी। सपा की सरकार, हमारे यहाँ रोड। सपा की सरकार के बाद में भाजपा सरकार? नहीं, भाजपा सरकार में तो कोई कार्य नहीं है, सरकार तो कोई नहीं, कोई काम नहीं हुआ, कोई बड़ा काम नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ, छोटे मोटे काम। सपा की सरकार में सड़क हमने डलवाई दी है। अच्छा, और ठीक है, तो उनसे लेकर और राजनगर तक। अच्छा, बीच में नदी रह गई थी, फिर उसमें पुल। कितने साल पहले बनाई थी ये? बनाई थी मेरे ख्याल से 8-9 में बनी थी शायद। बड़ा बढ़िया सड़क बनाई आपने, गड्ढा नहीं हुआ उसमें? नहीं,
अभी तक कोई गड्ढा नहीं। उसके ऊपर फिर डावर रोड भी हो गया, पहले खरंजा बिछाया गया फिर डावर रोड हुआ हमारे गांव में। आज सीधी हो गई, क्षेत्र से बढ़िया क्षेत्र है हमारा, हमारा गांव क्षेत्र से बढ़िया। कौन जीतेगा क्षेत्र? क्षेत्र में हमारे क्षेत्र के आदमी जीतेंगे, सपा की सरकार रही तो सपा की रहेगी, सपा की रहेगी और किसी की दाल नहीं गलने वाली। दाल नहीं गलेगी? नहीं, किसी की दाल नहीं गलेगी। तो सिलेंडर बांट रहे हैं, चूड़ा चूड़ा सिलेंडर बांट रहे, तो पैसे वसूल कर रहे हैं 3-13। तो सिलेंडर में फिर भी उनकी दाल नहीं गलेगी? सिलेंडर में धरे ले जाओ भरकर, लकड़ियां से रोटी करते थे, सो नहीं करे मारे बेचारे गरीब आदमी, उन्हें सिलेंडर धरे, सिलेंडर धरे भरवा जाए, पैसा हो पाए थे रोटी के लिए, सिलेंडर कहा तो भरवा दे सिलेंडर कूड़े में डरे। तो रोटी के लिए देखो, रोटी के लिए किसान सम्मान निधि से पैसा दे रहे हैं। अरे वो आप लकड़ियां बीने वाले कहां से ले आ रहे और कैसे रोटी कर रहे हैं? अच्छा। तो भाई जानते हैं, गरीब आदमी से पूछो जाके। बेकार महाबकवास, सपा की सरकार रही सपा की रहेगी। तो रो क्यों रहे? पैर निकल जाते हैं। दिल दुखाया आपका किसी ने? ऐसा कुछ नहीं। आप बताओ जिता, बड़े देर से छुपे बैठे हम का छुपे बैठे और क्या छुपे बैठे यहाँ तो सिर्फ सफाई का वोट है। सपा का क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकुमार है। राजकुमार, पूरा नाम राजकुमार है ये? अच्छा, तो क्या लग रहा है यहाँ पे? यहाँ तो सफाई जीती थी, भाजपा वालों ने आरक्षण खत्म कर दिया, पढ़े लिखे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। अच्छा, तब पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चे सब नाराज है। आरक्षण 23% 21% था, उसमें भी नहीं मिल रहा है। कहाँ 15-85 की लड़ाई में अभी 60% अपना खुद करे फिर रहे। हम लोगों को क्या है? कुछ नहीं है। आरक्षण के लिए हम लोग वोट तो सपा को देंगे और वो सरकार, यहाँ भेंजी का कोई आदमी नहीं लड़ रहा है। नहीं तो हमारा वोट हारा चाहे जीता, हमारा तो वोट बसपा में जाता है। अच्छा, आप बसपा नहीं है तो हम सपा को देंगे, हमारा पड़ोसी है। अच्छा, आरक्षण नहीं है? नहीं है, आरक्षण खूब खींच लिया। बच्चे लगते नहीं, बच्चे पढ़े लिखे हैं फिर रहे साले, उनको नंबर ही नहीं आता। क्यों 60% अपना कर लिया उन्होंने, तो हमारे बच्चे कहाँ लग जाएंगे बाबे? अच्छा, और क्या बात। तो माहौल सपा का है? सपा, सपा कितने वोटों से जीतने की उम्मीद है यहाँ पर? यहाँ हमारे गांव में, हमारे गांव में कम से कम मान के चलो कितने वोट है? वोट यहाँ पड़ेंगे 800। अच्छा, वोटिंग कितने की है? वोटिंग तो है प्रधानी की, तो वोटिंग है 1200 की। अच्छा, और एमपी एमएलए की वोटिंग होगी 1000-1100 रुपए, 1000 वोट होगी, 1000 की मानो 1100 की, तो 800 वोट पड़ेंगे यहाँ। अच्छा, 800 वोट में 500 वोट पड़ेंगे सपा के, 300 वोट पड़ेंगे भाजपा के। अच्छा, यानी लगभग 70-30 का रेशियो रहेगा। आपको क्या लग रहा है, क्या उम्मीद? मुझे तो सपा ही मालूम पड़ रही है। सपा? बिल्कुल। क्यों? देखो ऐसा है ना, अब मामला पड़ोस का तो है ही, और यहाँ कोई भाजपा को कोई नेता भी तो है नहीं हमारे लायक, कोई मतलब हमारे कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए जो हम पास में पड़ता है सारो कारोबार, हम जो भी शिकायत है उनसे कह तो सकती हैं जाकर, और हमारी जो पुल की समस्या, उन्होंने बच्चों की पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी तो वो समस्या दूर हो गई, क्योंकि तर नदियों में इतने घुस के अंदर जाती थी तो कोई पुल की सुविधा नहीं थी। नहीं थी, अब पुल बनवा दिया। बिल्कुल, उन्होंने बनवाया था शिवपाल जी ने। कब बनवाया? लगभग इसको बढ़िया चल रहा है, बढ़िया एकदम। और क्या और क्या और क्या सुविधा मिली? और सुविधा अच्छी, उनके कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोगों को। विकास हुआ है? हाँ, अच्छा विकास हुआ। बसपा की सरकार कब से नहीं आई? अरे जब से मुख्यमंत्री, अच्छा बसपा की सरकार में क्या रहता था? ये सब सीसी जो बनी हुई है, बीएसपी सरकार ही बनी है पूरे गांव की। अच्छा, यहाँ से लेकर के वहाँ तक बीएसपी। मान ले बसपा सरकार में भी विकास हुआ, सपा सरकार में भी विकास हुआ, भाजपा सरकार में? भाजपा सरकार में लैट्रिन बनाई गई है केवल। अच्छा, और कोई विकास का कार्य नहीं है। हाँ तो ठीक है, खुले में शौच नहीं होगा बस। हाँ, तो महिलाओं के लिए, अच्छा बेटियों के लिए, ऐसा तो नहीं है, बुराई नहीं कर रहे हैं, अच्छा है, उन्होंने अच्छा किया है, लैट्रिन बनवाई, घर में आराम से बाहर नहीं जाने पड़ेगा। तो शौचालय में जाते हैं लोग? हाँ, शौचालय शौचालय में ही जाते हैं। अच्छा, अब ये बताओ क्या लगता है
कि जो शिवपाल चाचा आ गए हैं साथ में, तो ये केवल चुनावी ये ढकोसला है क्या, या फिर वास्तव में आ गए हैं परिवार एक हो गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं? मैं जो बताऊं, अब ये चीज तो वो समझे, वैसे तो उनकी राजनीति शायद चुनाव के मामले में चल रही हो या पहले, वो तो उसके बाद की बात है, जिस चीज को हम नहीं बता पाएंगे, ये कोई कह भी नहीं पाएगा, क्योंकि जब उनका घर का मामला है, आज लड़ाई होती है कल सलामी होती है। अच्छा, गुंडागर्दी की बात लोग कहते हैं कि सपा सरकार में गुंडागर्दी है, ये भाजपा वाले कहते हैं, और सपा वाले कहते हैं कि भाजपा सरकार में गुंडागर्दी है। आपको क्या लगता है? आप तो बसपा के हैं, तो आप बताइए। वैसे हमारे हिसाब से हमारे यहाँ तो कोई मतलब गुंडागर्दी का कोई कारण नहीं हुआ, मतलब कहीं भी हुआ हो मेरे यहाँ तो कोई गुंडागर्दी का कोई दबाव नहीं रहा है किसी का, क्योंकि हम लोग जब से याद जब से हमने वोट डाला है तब से हमने तो अपने समाज को ही वोट दिया है, और बहन जी जैसे नहीं खड़ी हैं तो मैं सफाई को वोट सपोर्ट कर दूंगा। ये तो आपके गांव से क्या माहौल लग रहा है? अच्छा है, ठीक है, जीत के जाएंगे। जीत के जाएंगे कौन? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। माता जी क्या माहौल है, कौन जीतेगा, सपा के भाजपा? हम भैया नहीं जानते। अच्छा, तो जो बताओ साइकिल के फूल सो नहीं जानती। अच्छा, तो जो बताओ अखिलेश के रघुराज, अखिलेश जीते जीते अखिलेश, ऐसो का कर दो अखिलेश ने। अरे कछु करो, वो अब सोतम जानता ना ही दुखारी अमारी है, जाना ही काहे का दस पेंशन बांध दे। अच्छा, पेंशन नहीं है तुम्हारी ना? कछु नहीं तो